जैसा कि मेरे साथ हैं अखिलेश्वर प्रसाद उर्फ झुनू साहब, जो कि स्पेशली जो कि एक जिला परिषद है 26 संख्या से, और ख़ास तौर पर जैसे कि पद यात्रा प्रशांत किशोर का यंजन सुराज का यात्रा जो चल रही है, पूरा गांव देहात के लोग एक तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, इसी बीच क्या कहेंगे जिस तरह से प्रशांत किशोर जिसे व्यवस्था बदलने को लिए चले हुए हैं, क्या लगता है जिस तरह से आशीर्वाद दुआई लोग का मिल रहा है, क्या लगता है कितना रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी बदलाव होगा? ये तो बिहार के इतिहास में ये तीसरा बार हो रहा है, जो कि गांधी जी भितियरवा से चले और एक सत्याग्रह का बिगुल फूके, सेम उसी तरह हमारे प्रशांत जी ये तमाम जो अनियमितता है, सरकार की गड़बड़ स्थिति है, उसको चेंज करने के लिए, उसको बदलने के लिए उन्होंने जन चेतना अभियान चलाया जन सुराज के माध्यम से, जिसको हर एक गांव में जाकर वहां जनता से मिल रहे हैं, वहां का दुख दर्द समझ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी उनकी सोच है, और उनकी जो जन सैलाब जहाँ जा रहे हैं, जनता का जो जन सैलाब, वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़े हो, सब उनके साथ लग जा रहे हैं जी। इससे यही समझ में आ रहा है कि आने वाला कल में बिहार में बदलाव होना सुनिश्चित हो चुका है जी। जिस तरह से नौजवान एक तरह से सर से सवाल अपना समस्या बता रहे हैं, खासतौर पर बेरोजगारी के लेकर, क्या कहेंगे? बेरोजगारी बहुत बड़ा समस्या है, जो बाहर जाकर बिहार के लोग कमाते हैं अपने एक तरह स्वाभिमान गंवा कर, अब बिहार की स्वाभिमान की बात होगा, बिहार में रोजगार की बात होगा। हमारे जो शिक्षा महीना टाउन क्षेत्र है, यहाँ पर 80% लोग मजदूरी पर निर्भर है, यहाँ बालू निकलता था, आज बालू भी बंद है, लोग यहाँ से केरल जाते हैं कमाने, और वहाँ पर रिवर्स खाकर वहाँ लोगों के द्वारा, वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा मारपीट खाकर फिर बिहारी समझकर खेदा जाता है। आज यहाँ जो स्थिति बिहार में बन चुकी है, हमारे क्षेत्र में बन चुकी है, इसकी निजात पाने के लिए एक ही विकल्प है, वो कि प्रशांत कुमार जी। जी, क्या लगता है कि जिस तरह से गांव के लोग, बुजुर्ग बड़े लोग तमाम सर से समस्या है बता रहे हैं कि जिस तरह से बालू का खनन जिस तरह से होता था, लोगों को रोजगार मिलता था, नहीं मिल पा रहा है, क्या कहेंगे ये जल्दी से जल्द इसको खुलवाया जाए? बालू का जो समस्या है, पूरे अपना मैनाटांड क्षेत्र में जो बालू ही प्रधान प्रखंड था, उसको नीतीश कुमार के द्वारा बालू बंद कर दिया गया, जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वहाँ से लकड़ी भी आपूर्ति होती थी, वो भी बंद कर दिया गया। माननीय मोदी जी के द्वारा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सप्लाई किया गया, शुरू में 300-400 रुपये में गैस मिला, और आज के डेट में 1200 रुपये की मार इस जनता के ऊपर जो पड़ रही है, ये कहीं से जायज नहीं है। हमारे शिक्षा महीना टाण के लोग बिल्कुल बेहाल है। क्या ठीक है, आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आप खुद एक तरह से मतलब जिला परिषद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और ओवरऑल चुनाव ने आपने भी लड़ा था विधानसभा का, जनता से क्या अपील करेंगे, व्यवस्था कैसे बदला जाए? क्लास मैं शिक्षा महीना टाण के तमाम जनता से यही हाथ जोड़कर आग्रह करूँगा कि जो भी शिक्षित वर्ग के जनता है, जुआ है, तो जुआ में एक अलग शक्ति होती है, पानी में आग लगाने की शक्ति अगर होती है तो जुआओं में होती है जी। खासकर जुआ वर्ग के सभी भाइयों से मैं अपील करना चाहूँगा, हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ कि आप लोग एक क्रांति पैदा कीजिए। जो देश आज़ाद करना था तो जुआओं के बलिदान हुई, इसमें भी आप लोग अपने सक्रिय भूमिका निभाइए, प्रशांत सर के साथ चलिए, और इस समाज को बदलने के लिए बिहार की बदलाव जरूरी है, और इस जन सुराज के माध्यम से बदलाव की आवश्यकता है। okay. आप लोग बिहार को बदलने ओके okay. बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे प्रसाद अखिलेश्वर प्रसाद उर्फ झुनू साहब, जो कि एक तरह से जिला परिषद हैं, और खसूसी तौर पर उन्होंने बताया कि बिहार की हाल क्या है, बेहाल है, और जिस तरह से प्रशांत किशोर का कारवां गांव-गांव घूम रहा है, लोगों का एक जनसैलाब इसके साथ जुड़ रहा है, कहीं ना कहीं पूरा एक जिस तरह से चैलेंज है कि बिहार को कैसे बदला जाए, बिहार का सिस्टम जो एक तरह से सड़ गया है, वो सुधारने की ज़रूरत है। बहरहाल आप जामिया देख रहे हैं साथ पब्लिक न्यूज़, मैं मोहम्मद तस्लीम, बिहार के वेस्ट चंपारण मैनाटांड ब्लॉक के भंगहा गांव से।